हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हमें उसकी डायमेंशन पता करनी है तो हम कैसे पता करेंगे। अगर हमें उसकी डायमेंशन शो ऑफ करनी होगी तो हम कैसे करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर हमें यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप करना होगा तो हम कैसे करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमें इस रेक्टेंगल का डायमेंशन ड्राइंग में शो करना होगा तो हम कैसे करेंगे ऑटोकैड के थ्रू। इसके लिए सबसे पहले तो हम डायमेंशंस में जाएंगे। यहाँ से हम क्लिक करेंगे क्यूब डायमेंशन पे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। और इसके बाद अगर हमें डायमेंशन नीचे लिखना होगा तो हम नीचे लिख सकते हैं, अगर ऊपर लिखना होगा तो हम ऊपर लिख सकते हैं। हमने ऊपर लिख लिया। तो फ्रेंड्स ये डायमेंशन आ गई, इसका लेंथ हो गया आपका, ए विड्थ हो गया रेक्टेंगल का। फ्रेंड्स, अगर हमें इस डायमेंशन को एडिट करना होगा तो हम क्या करेंगे। जैसे कि हमारा ये अलाइन नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगल, अकॉर्डिंग टू लाइन हम इसे कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कमांड टाइप करेंगे डी, एंटर। इसके बाद हम न्यू में जाएंगे, करेंगे कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम टेक्स्ट की साइज एंटर करेंगे। टेक्स्ट की साइज एंटर करके हम देखेंगे कि हमें कितना में शो हो रहा है। जैसे यहाँ पे 0.001 है। यहाँ भी सेम है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि हमारा जो डायमेंशन है वो शो नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ एरो शो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, डायमेंशन बढ़ाएंगे। यहाँ हम कर देते हैं 0.10। यहाँ भी चेंज करते हैं 0.10। ओके करके देखते हैं, सेट करंट करेंगे, क्लोज करेंगे, कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड टू, कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड टू। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका डायमेंशन कम हो गया। अगर हमें डायमेंशन बढ़ाना हो तो फिर हम उसे ही करेंगे, सेटिंग में जाएंगे डी, एंटर, डायमेंशन सेटिंग। यहाँ से जो हमने कॉपी ऑफ कॉपी टू ऑफ स्टैंडर्ड लिखा है, इसे मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे हम जाके ऑब्जेक्ट टेक्स्ट की हाइट ज़्यादा करेंगे, बढ़ाएंगे हाइट, तो 0.500 हम कर देते हैं। यहाँ भी हम ऑफसेट के लिए 0.500 कर देते हैं, एंटर करते हैं। ओके करते हैं, सेट करंट करते हैं, क्लोज करते हैं। फ्रेंड्स, ये साइज बढ़ गई। अब हमें इसे अलाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे 2.500 है, इसे हमें अकॉर्डिंग टू विड्थ करनी है, तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए हम सेटिंग में जाएंगे डी, इंटर, डायमेंशन सेटिंग में, मॉडिफाई करेंगे कॉपी टू ऑफ स्टैंडर्ड को। वहाँ पे हम कॉपी टू ऑफ स्टैंडर्ड की जगह कोई भी नाम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं अलाइन विथ डायमेंशन लाइन। तो हमारे डायमेंशन लाइन के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाएगा। इसके बाद ओके कर देंगे, फिर शट करंट करेंगे, क्लोज करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि साइज बड़ा हो रहा है, तो इसको हम साइज छोटा कर देंगे थोड़ा। कॉपी ऑफ टू तो सॉरी डी, इंटर, मॉडिफाई डायमेंशन सेटिंग 0.500। इसको हम 0.200 कर देते हैं। ओके,
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा इसका रेक्टेंगल का लेंथ ऑर्बिट्स दोनों शो हो रहा है। अगर हमें इधर का भी डायमेंशन शो करना हो तो क्विक डायमेंशन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर अकॉर्डिंग टू लाइन हो गया डायमेंशन इसका। आइए फ्रेंड्स हम फिर से देखते हैं एक बार। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें हमें लाइन की विड्थ और लेंथ शो करनी है। फ्रेंड्स अगर हमें इस रेक्टेंगल का डायमेंशन शो करना है लेंथ और विड्थ, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम डायमेंशन में जाएंगे, क्विक डायमेंशन में जाएंगे, उसके बाद हम लाइन सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, ओके करेंगे, फिर से क्विक डायमेंशन में जाएंगे, लाइन सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम किसी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन शो करेंगे। ओके फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि टेक्स्ट कैसे एंटर करते हैं। तो इसे क्लोज कर लेते हैं। टेक्स्ट एंटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कमांड टाइप करना पड़ेगा TEXT टेक्स्ट एंटर। अब हमें पूछ रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट और ऑफ टेक्स्ट और जस्टिफाई स्टाइल। तो स्टार्ट पॉइंट हम कहीं भी क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम पूछ रहा है, जब हम स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमें पूछेगा हाइट। तो हाइट हम हमें कितना चाहिए टेक्स्ट का वो हम एंटर कर लेंगे। अगर हमें चाहिए 0.200 मीटर तो हम 0.200 मीटर जितना भी हाइट चाहिए अगर हम टाइप करते हैं 0.50 एंटर करते हैं। और इसके बाद पूछ रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल ऑफ टेक्स्ट। तो रोटेशन एंगल हम कुछ भी नहीं एंटर करेंगे, या फिर हमें जिस एंगल पर रोटेट करना है टेक्स्ट को हम वो भी एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री पे ही रहने देता हूँ, तो 0 छोड़ देंगे, एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद ये हमारे टेक्स्ट बॉक्स आ गए, इसमें हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे मैंने टाइप किया ऑटो कैड, तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा टेक्स्ट। इस तरह से हम किसी भी ड्राइंग में टेक्स्ट एंटर करवा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।